जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है माली की पत्नी और 6 दुष्ट। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है, मगध जनपद की राजधानी राजगृही में अर्जुन नाम का एक माली रहता था। नगर के बाहर उसका एक सुंदर बगीचा था जिसमें तरह तरह के फूल थे। अर्जुन इसी बगीचे से अपनी आजीविका चलाता था। इसी बगीचे के पास एक यक्ष का प्राचीन मंदिर था जिसने हाथ में मुद्गल लिए हुए यक्ष की एक प्रतिमा थी। अर्जुन बचपन से यक्ष का भक्त था। वह प्रतिदिन अपने फूलों की टोकरियां लेकर बगीचे में जाता और फूल चुनता। इन फूलों में से जो फूल सबसे सुंदर होते उन्हें वह यक्ष को चढ़ाता। यक्ष की पूजा भक्ति करता और तत्पश्चात राजमार्ग पर फूल बेचकर अपनी आजीविका चलाता। एक बार राजगृह में कोई उत्सव था। अर्जुन ने सोचा कि इस अवसर पर फूलों की अच्छी बिक्री होगी। वह सुबह सुबह उठा और अपनी स्त्री को साथ लेकर बगीचे में पहुंचा। दोनों ने फूलों से अपनी अपनी टोकरियां भर ली और रोज की तरह फूलों को लेकर यक्ष की पूजा करने चल दिए। राजगृह में ललिता नाम की गुंडों की टोली थी। यह टोली अपना मनमाना काम करती, वेश्याघरों में रहती और भांति भांति के कुकर्म करती। इस टोली के 6 गुंडों ने दूर से देखा कि माली अपनी औरत के साथ यक्ष मंदिर में जा रहा है। ये लोग चुपचाप मंदिर के किवाड़ों के पीछे छिप गए और जब माली और उसकी औरत यक्ष की पूजा कर रहे थे तब गुंडे चुपके से किवाड़ों के पीछे से निकले और माली को रस्सी से बांध उसकी स्त्री के साथ अपनी भोग पिपासा शांत की। अर्जुन बंधन में जकड़ा रहा और गुस्से से तमतमाते हुए यक्ष से बोला, यक्ष, मैं बचपन से आपकी पूजा करता आया पर मुझे पता नहीं था कि तुम सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति के अलावा और कुछ भी नहीं हो। यदि तुम में कुछ भी शक्ति है, चमत्कार है, तो आज तेरे भक्त की तेरे सामने यह दुर्दशा हो रही है। तुझे शर्म आनी चाहिए, कुछ दिखा अपना चमत्कार। अर्जुन के हृदय में अपमान का दंश था, मन में तीव्र वेदना थी। यक्ष ने सचमुच उसकी पुकार सुनी और वह उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया। एक झटके के साथ उसके बंधन चूर चूर हो गए। अब अर्जुन के हाथ में यक्ष का वह लोह का मुद्गल भीम के गदा की तरह लहरा उठा और उसने एक झटके में उन 6 गुंडों और अपनी स्त्री इन सातों की हत्या कर दी। सातों प्राणियों की हत्या करके भी यक्षाविष्ट अर्जुन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह क्रोध में विक्षिप्त की तरह इधर उधर भटकने लगा। जो भी उसके सामने आता वह एक प्रहार में उसको मार डालता। इस घटना से उसके मन में इतना भयंकर क्रोध और घृणा जागी कि वह प्रतिदिन 6 पुरुष एवं एक स्त्री की हत्या करके ही शांत होता था। हरा भरा उद्यान शमशान घाट बन गया। शहर में आतंक छा गया। मौत के मुंह में कौन जाए, लोगों का आना जाना बंद हो गया। राजा शिरणिक ने कई योद्धाओं को भेजा परंतु यक्ष की शक्ति के सामने कोई नहीं टिक पाया। इसी बीच परम तेजस्वी एक ऋषि राजगृह के बाहर उद्यान में पधारे। जब लोगों ने यह सुना तो दर्शन करने की भावना उमड़ी, पर बीच का यह मृत्यु मार्ग कौन पार कर सकता था। रास्ते के बीच में मृत्यु का जो राक्षस बैठा था उससे दो दो हाथ कौन करे। सबने घर बैठे ही ऋषि की भक्ति भाव से वंदना की, परंतु एक युवा श्रावक सुदर्शन ऋषि के दर्शनों का प्यासा था और उनके दर्शन करने उसी दिशा में चल पड़ा। उसके माता पिता मित्रों परिजनों ने बहुत समझाया परंतु उसका एक ही उत्तर था, अभय को भय नहीं खा सकता। मैं अमृत के दर्शन करने जा रहा हूँ, मुझे मृत्यु के विष का कोई भय नहीं। उसके साहस, विश्वास और निष्ठा पर सभी दंग थे।
वह चलते चलते उद्यान के सुनसान मार्ग पर पहुंचा। अर्जुन माली ने आज बहुत दिनों बाद एक मनुष्य को उस रास्ते पर आते देखा। वह हाथ में मुद्गल संभाले सुदर्शन की ओर लपका। सुदर्शन वीर योद्धा की तरह दृढ़ता के साथ वहीं खड़ा हो गया, ना डरकर पीछे लौटा और ना आगे दौड़ा। उसने शीघ्र ही पालथी मारकर वहां बैठकर ध्यान मुद्रा में स्थिर हो गया। सुदर्शन के तेजस्वी एवं निर्भय मुख को देखकर अर्जुन के पैर ठिठक गए। प्रहार के लिए उसका मुद्गल ऊपर उठा अवश्य, पर वह वहीं अधर में उठा रह गया। सुदर्शन के आत्मसाहस और सुदृढ़ संकल्पों के सामने अर्जुन के शरीर में रहे यक्ष का तेज समाप्त हो गया। अहिंसा के समक्ष हिंसा परास्त हो गई, क्षमा के सामने क्रोध हार गया। यक्ष देवता घबरा गया और अर्जुन के शरीर से भाग गया। अर्जुन धड़ाम से भूमि पर गिर गया, उसका क्रोध शांत हो गया। सुदर्शन अभी ध्यान में लीन था। अर्जुन माली भक्ति तथा तेज से प्रभावित हो उसके चरणों में गिर गया और अपने कृत कर्मों की क्षमा मांगने लगा। सुदर्शन ने ध्यान खोला और चरणों में झुके हुए अर्जुन को प्रेम से उठाते हुए बोला, अर्जुन उठो, तुम भी अपना जीवन सुधार सकते हो। चलो, वह जो ऋषि आए हैं उनके चरणों में मैं भी वहीं जा रहा हूँ। वे करुणा के देवता हमें कल्याण का मार्ग बताएंगे। अर्जुन की आंखों में आशा की आभा चमक उठी। वह सुदर्शन के साथ उन ऋषि के दर्शन करने चल पड़ा। लोगों ने देखा सुदर्शन अर्जुन जैसे नरसंहार करने वाले हत्यारे को साथ लिए ऋषि की धर्म सभा की ओर जा रहा है। पापी जब धर्मी बन जाता है तब भी साधारण लोग उसे आशंका से देखते हैं। पहले तो लोगों के मन में अनेक आशंकाएं उठी, उन्हें यह यक्ष का छलावा लगा, अतः बहुत देर तक वे उसे कौतूहल वश देखते रहे। पर जब उन्होंने देखा कि अर्जुन आज बहुत शांत है, उसकी गर्दन विनय से नीचे झुकी हुई है, उसके दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में हैं, बस फिर क्या था, नगर के द्वार खुल गए। राजगृह के सहस्त्रों नर नारी निर्भय होकर ऋषि के दर्शन करने के लिए एकत्रित हुए। ऋषि का उपदेश हुआ, अहिंसा और प्रेम की वह धारा बही कि अर्जुन माली का हृदय उसमें निर्मल हो उठा। उसने प्रभु के समक्ष आत्मनिंदा की और अहिंसा की साधना में लीन होने की प्रार्थना की। प्रभु के चरणों में उसने मस्तक झुकाकर प्रभु से लोगों की हत्या करने और लोगों को कष्ट देने के लिए क्षमा मांगी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।